बिहार में पहली बार आयोजित हो रही विमेंस एशियन हॉकी चैंपियन को लेकर खिलाड़ियों में दिखा जोश। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। बक्सर के किला मैदान में बिहार के राजगीर में होने वाले महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 गौरव यात्रा कड़ी सुरक्षा के साथ किला मैदान में सुसज्जित बस से महिला खिलाड़ी पहुंची, जहां जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान स्थानीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रॉफी की प्रदर्शनी की गई। बिहार के राजगीर में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीम हिस्सा लेगी। यह टूर्नामेंट नव विकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। हालांकि यह आयोजन राज्य के छोटे शहरों और गांवों के में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य के गौरव का प्रतीक राजगीर में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से न केवल बिहार में खेलों का विकास होगा, बल्कि शहरों में भी खेलों के प्रति जागरूकता और भागीदारी बढ़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात है कि पहली बार बिहार में इतने बड़े स्तर पे प्रोग्राम हो रहा है। सशक्तिकरण की बात होती है कि नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकार पहल कर रही है, तो इस तरह की जो योजना है या इस तरह का जो कार्यक्रम है, ये क्या लगता है कि सही में सरकार की जो सोच है साकार हो पाएगी? जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है नारी शक्ति को, तो कर रही है और आगे भी करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? आप अच्छा, जिस तरह से नारियों को खेल में मौका मिल रहा है लेकिन उन्हें बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, बहुत लोग इसी के चलते खेल छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? खेल छोड़ना अच्छी बात नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। आप मेहनत कीजिए, सरकार काम कर रही है और आगे और काम अच्छा। आपका नाम बताइए सर। हॉकी प्रतियोगिता हो रही है और आप लोग यहाँ ट्रॉफी लेके आए हैं, क्या योजना है, कैसे क्या करना है? ये बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता कराई जा रही है। जो एशियाई देश हैं, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया, ये 6 देश हैं जो राजगीर में आकर के खेलेंगे महिला हॉकी टीम जी। और उसी को हम लोग प्रचार प्रसार के लिए ये गौरव यात्रा, ट्रॉफी गौरव यात्रा हम लोग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा निकाला गया है, हमारे माननीय DG साहब के द्वारा, जो कि पूरे बिहार में ये ट्रॉफी घूमेगी और ये प्रचारित करेगी कि हमारे राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एशियाई महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि गौरव की बात है। इसलिए ये यात्रा गौरव यात्रा के रूप में हम लोग प्रचारित करेंगे। कब होगा ये मैच? है 11 नवंबर से 20 नवंबर तक राजगीर में जी। अभी यात्रा कहाँ से कहाँ? ये आज यात्रा का पहला पड़ाव बक्सर था, पटना से हम लोग आरंभ किए हैं जी। पहला पड़ाव यहाँ बक्सर में आयोजन हुआ है, यहाँ पे किला मैदान में। उसके बाद हम लोग सासाराम जा रहे हैं यहाँ से, उसके बाद उसी तरह से प्रत्येक जिलों में हम लोग एक एक दिन रुक करके वहाँ प्रचार प्रसार करेंगे और इस खेल को मतलब बढ़ावा देने के लिए लोगों से अपील करेंगे, या देखने के लिए उनको, या वहाँ आमंत्रित करने के लिए। प्रचार के लिए कितनी टीमें रवाना हुई है इस बस में? ये जो गौरव यात्रा है, इस रथ में 15 लोग हैं जो टेक्निकल टीम के हैं, बाकी अदर भी ड्राइवर वगैरह मिलाकर कुल 30 लोग हैं। 30 लोग आए जी। तो आपके तरह और भी? नहीं नहीं, बस पूरे बिहार में एक ही बस में, 38 जिला में यही बस भ्रमण करेगी। आपका परिचय क्या हुआ सर? विनय कुमार। क्या हुए आप? हम लीडर 1 हैं इस ग्रुप के। अच्छा, ग्रुप।